अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इश्क मुर्शिद ड्रामे के फैंस के लिए बुरी खबर। इश्क मुर्शिद ड्रामे को बैन कर दिया गया है। इश्क मुर्शिद ड्रामे को बैन क्यों किया गया और डोरे फिशा ने इस बारे में क्या कहा, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। इश्क मुर्शिद ड्रामा जो कि इन दिनों सबका फेवरेट है और इस ड्रामे में बिलाल अब्बास के फजल बख्शे किरदार को बेहद पसंद किया जा रहा है। बिलाल अब्बास और डोरे फिशा की ज़बरदस्त एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर है। इश्क मुर्शिद ड्रामे की रिसेंटली जो एपिसोड ऑनियर की गई, इसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें असली फजल बख्श गाहक से पूछता है कि वो आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देंगे। तो गाहक ने जवाब दिया, इन्हीं को जिन्हें वो पहले डालते हैं। उसका ये जवाब सुनकर फजल बख्श ने बढ़ते हुए कहा कि उठ निकल यहाँ से, 40 साल से एक पार्टी को वोट दे रहे हो, शर्म नहीं आती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में हैं। इश्क मुर्शिद ड्रामे के इस वायरल क्लिप में इमरान खान के मौकफ़ की हिमायत करते हुए इमरान खान की तरफ झुकाव जाहिर किया गया है और फैंस ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाला वज़ीर आज़म इश्क मुर्शिद ड्रामे को बैन कर सकता है। इस बारे में डोरे फिशा ने लाइव आकर बात करते हुए कहा कि ये आने वाले वज़ीर आज़म पर होगा कि वो ड्रामे को बैन करता है या नहीं। मेरे ख्याल में ड्रामे को बैन नहीं होना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।